मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप कैसे हो भाई? मैंने पहले ऑडियो में, है ना, वीडियो नहीं, ऑडियो में बीएड से रिलेटेड मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था बीसीसी वन में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। बीसीसी वन सब्जेक्ट का नाम है, बीसीसी वन में एक थ्योरी पढ़ना है, जीन पियाजे थ्योरी। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया था जीन पियाजे के बारे में, है ना, कि ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जीन पियाजे का जो थ्योरी है, यदि आप इसको नहीं पढ़ते हो तो बहुत आपको प्रॉब्लम करेगा। ये आपको बीएड एंट्रेंस, बीएड का जो एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर के बाद, उसमें भी आपको पूछता है, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और सीटेट में तो आप देख सकते हो इसके बिना ऑब्जेक्टिव ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, कोई सीटेट का एग्जाम जो आज तक पूछा नहीं है। स्टेट में भी आपको, है ना, पेडागॉजी में यहाँ से चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से सवाल पूछते हैं। तो खैर, जीन पियाजे से रिलेटेड मैंने ऑडियो आपको पहले कर दिया था इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इनका जो बॉर्न हुआ था 1896 में हुआ था, है ना, और इनका जो जन्म हुआ था ये आपका स्विट्जरलैंड के, है ना, जो जगह का जो नाम था स्विट्जरलैंड के, फ्रैंकोफोन, है ना, फ्रैंकोफोन एक जगह था स्विट्जरलैंड का, छोटा सा क्षेत्र था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो एक्चुअली जीन पियाजे इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे सिलेबस के लिए? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे, संज्ञानात्मक डिस्कशन मैंने ऑडियो में आप कर चुका था, आप वहां पे जाके देख सकते हैं चैनल पे, एसएसटीसी चैनल पे, वहां पे संज्ञान का पूरा मैंने डिटेल किया है कि संज्ञान होता क्या है, किसी भी बच्चे को, है ना, कैसे कोई चीज को सीखना है, कोई मैथ्स का कोई ट्रिक बना रहा है तो उस ट्रिक को कैसे अपने दिमाग से, बुद्धि से, है ना, खुद फर्टिलाइज करना है, है ना, वही संज्ञान होता है। इंफॉर्मेशन लेना, दूसरों से सीखना, है ना, ये सब संज्ञान के अंतर्गत आता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जन्म लेगा, बड़ा होगा, उसका जो मेंटल बौद्धिक जो क्षमता है, जो विकास है, क्या होगा, डेवलप होगा ऑटोमेटिक। तो जीन पियाजे का जो थ्योरी है, ये बच्चे के जन्म से लेकर 15 इयर्स के बीच का है, है ना, जीरो से लेकर 15 साल के बीच का है। तो जब बच्चा जन्म लिया, जीरो, बड़ा हुआ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आप समझ सकते हो कि किसी बच्चे में क्या एकाएक डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका जो बौद्धिक क्षमता है, सोचने का जो क्षमता है, क्या हम लोग कितना होगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो उसको वो स्टेज में बांट दिया, सो क्या किया, उसको वो स्टेज में बांटा। तो ये जो स्टेज में जो बांटा गया, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव, इसको ये डिस्कशन मैंने ऑडियो में कर चुका है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, है ना, अवस्थाएं, स्टेजेस, क्या बच्चों, है ना, हाँ डियर ट्रेनिज, है ना, स्टेजेस तो स्टेज का मतलब समझते हो अवस्था, तो जब स्टेजेस की जो अवस्थाएं होंगी, तो देखिए बहुत सारी अवस्थाएं इसके हैं, तो जनरली लोगों को समझाया जाता है, है ना, कि ये 4 स्टेजेस हैं, कि क्या है डियर ट्रेनिज, 4 स्टेजेस हैं। तो हर स्टेज की अपनी एक विशेषता है, हर स्टेज की अपनी एक विशेषता है कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज क्या है, और उसको अकॉर्डिंग टू एज जीन पियाजे के द्वारा बांट दिया गया, काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सबको पता है कि जब कोई साइकोलॉजिस्ट कुछ अपना सिद्धांत देता है, प्रिंसिपल देता है, तो उसके क्रिटिक्स भी काफी सारे होते हैं, आलोचक भी काफी सारे होते हैं, तो होता ही है ना। लेकिन ये अब हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, इसको हम पूर्ण रूप से क्या करेंगे, पूर्ण रूप से हम इसको डिटेल करेंगे। स्टार्ट, तो हम लोगों ने देखा कि सेंस, है ना,
जी प्याजे का जो मैंने बताया आपको कि 0 से लेकर 15 साल बॉर्न से लेकर है ना 15 ईयर्स तक चार स्टेज में डिवाइड किया, कितना स्टेज में डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस में। तो जो पहला स्टेज है ना, जो क्या पहला जो स्टेज है इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। क्या है डियर ट्रेनीज, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका जो एज है 0 to 3 years। क्या है डियर ट्रेनीज, 0 से 24 months। ध्यान दीजिएगा डियर ट्रेनीज, फर्स्ट जो स्टेज है मैंने आपको बताया, सबसे पहले संज्ञान के बारे में बताया, कॉग्निटिव के बारे में बताया है ना, जीन प्याजे ने क्या किया अपना थ्योरी दिया। और इसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन प्याजे है जो काफी फेमस हुआ, सब चीज मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका है ना। और इसमें चार स्टेज में बांटा, जो फर्स्ट स्टेज मैंने यहाँ पे लिखा है, इसने यहाँ पे लिख दिया स्टेजेस, यहाँ पे देख रहे हो 4 स्टेज में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका एज क्या है डियर ट्रेनीज, 0 to 2 years मींस 0 से 24 महीना। अब हिंदी की बात कहा जाए तो हिंदी में इसको हम बहुत नाम के है ना जानते हैं। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, आप इसको कहीं भी देख सकते हो है ना। मतलब हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में बहुत तरीके का नाम जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं है ना वो भी नाम देती हैं बहुत तरह। फर्स्ट देखिए इंग्लिश में तो हम बोलेंगे इसको सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और हिंदी में और भी हम इसको बोलते हैं ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट स्टेज ही चल रहा है अभी, फर्स्ट स्टेज का मैं अभी है ना नामकरण कर रहा हूं है ना, क्या क्या इसको हिंदी में बोला जाता है देखिए। और इसको बोला जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। क्या बोला जाता है डियर टेनिस, संवेदी प्रेरक अवस्था। और भी देखिए इसको बोला जाता है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज है ना, एंड जी प्याजे ने हैज गिवन दिस स्टेज ड्यूरेशन है ना 0 to 2 years मींस 0 से 24 महीने है ना। इसी को क्या क्या नाम दिया आप देख सकते हैं, इंद्रिय जनित ज्ञानात्मक संवेदी प्रेरक संवेदी पेशे की अवस्था। ये चारों जो है ना, आप या तो ये बोलो इंद्रिय जनित बोलो, या तो ज्ञानात्मक बोलो, या तो संवेदी प्रेरक बोलो, या तो संवेदी है ना जो आपका पेशी अवस्था है। तो इसको 0 से लेकर 2 साल के बीच में क्या किया है, बांटा है। अब इसकी भी सब स्टेजेस होते हैं डियर ट्रेनीज, सब स्टेजेस होते हैं। सोच लीजिए मतलब ये तो फर्स्ट स्टेज होगा ही, तो इसका भी क्या किया जीन प्याजे, इसको भी वो बांट दिया है सब स्टेजेस में। अब कितना सब स्टेज है, यू नो 6 सब स्टेजेस है। जो 6 स्टेजेज है डियर टेरीज है ना, इसका नाम है ना, इसका भी अलग अलग नाम है ना, जैसे आपका नाम है सहज क्रियाओं की अवस्था ये सब। तो अब इसके बाद मैं अब बताऊंगा कि इसका 6 जो सब स्टेजेज है वो क्या क्या होते हैं है ना। हाँ तो हम लोग का जो फर्स्ट स्टेज था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था डियर टेरीज, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज बोला था, जिसको हम लोगों ने हिंदी में इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोला, ज्ञानात्मक बोला, संवेदी पेशीय बोला है ना। अब इसको हम लोगों ने बोला कि ये 6 सब स्टेजेस में बांटा गया है। तो जो 6 सब स्टेजेस है
तो पहला मैंने लिखा, देखो मैंने यहाँ पे नंबर एक कर देता हूँ, नंबर वी, नंबर सी, नंबर डी, नंबर ई, नंबर एफ। तो अब हम लोग करेंगे फर्स्ट सर्व स्टेज, आप इसको क्या लिख सकते हो, पहली उपअवस्था, उप अवस्था हिंदी में। डियर ट्रेनर्स, आप इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सर्व स्टेज को पहली उपअवस्था, क्या लिख सकते हैं डियर ट्रेनर्स, पहली उपअवस्था। हम इसको क्या बोलते हैं, सहज क्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था। मैं लिख देता हूं सहज क्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था। इसका ड्यूरेशन क्या होता है डियर ट्रेनीज, 0 से 30, है ना, 30 डेज, मतलब 30 दिनों का होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है, सिर्फ 30 दिनों का होता है। और जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, ये जो पहली उपअवस्था है यहाँ पे, है ना, एक देखिए ये जो सहज क्रिया है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस। इस वर्ड्स को याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको दिख, है ना, ये भी बोला जाएगा तो आप समझ लीजिएगा, रिफ्लेक्सेस। सहज क्रिया क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस, आर ई एफ एल ई एक्स ई एस, रिफ्लेक्सेस। इसका ड्यूरेशन क्या होता है डियर ट्रेनीज, 0 से, है ना, 30 दिन, है ना, जन्म से लेकर 30 डेज। इसमें बच्चा क्या करता है, पहले आपको मैंने क्या किया, सेंसरी मोटर स्टेज किया फर्स्ट, इसको मैंने किया 0 से 24, इसको मैंने क्या किया, मतलब मैंने नहीं किया, सॉरी, जी प्याजे के द्वारा, है ना, पहली उपअवस्था में पार दिया गया, जिसको फर्स्ट सब स्टेज भी बोल सकते हो, एसोसिएटेड सहज क्रियाओं की अवस्था, जो आपकी रिफ्लेक्सेस के रूप में सहज क्रियाओं के लिए दर्शाया जाता है, और ये 0 से 30 दिन होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, है ना, किसी भी वस्तु को चूसते हैं, क्या करते हैं डियर ट्रेनीज, किसी भी चीज को क्या करते हैं वो, है ना, चूसते हैं, है ना, और प्रतिवर्त, इसमें प्रतिवर्त क्रियाएं होती रहती है, प्रतिवर्त क्रियाएं होती रहती है। अब देखे होंगे, है ना, बच्चे को जब जन्म लेता है तो कोई चीज को क्या करता है, फिंगर्स वगैरह को चूसता है, वो सक करता है, है ना, क्या करता है डियर ट्रेनीज, वो सक करता है ना, चूसता है, है ना। ये आपका, अब समझ चुके हैं, फर्स्ट सर्व स्टेज में प्रतिवर्त क्रियाएं होगी, वो चूसेगा किस चीज को, ये 0 से 30 डेज का होगा, ओके। अब हम लोग करेंगे सेकेंड सर्व स्टेज, सेकेंड सर्व स्टेज, क्या करेंगे डियर ट्रेनीज, सेकेंड सर्व स्टेज, इसको क्या बोलेंगे, दूसरी उपअवस्था, क्या बोलेंगे, दूसरी उपअवस्था, क्या बोलेंगे डियर ट्रेनीज, दूसरी उपअवस्था, ओके। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रमुख वृत्तीय, है ना, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, प्रमुख वृत्तीय, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। आप सोच सकते हो किस टाइप का, है ना, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वर्ड्स आ रहा है, है ना, सीटेट में तो पूछता ही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, है ना, मैं आपको सीटेट में ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा ही, पूछ सकता है कि जो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं उसमें बच्चा क्या करता है, उस अवस्था क्या करते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट सब स्टेज, और इसमें फर्स्ट सब स्टेज में क्या होगा, सेंसरी मोटर में होगा, आपका ऑप्शन सेंसरी मोटर का होगा ही ऑप्शन, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहाँ होगा भाई, तो सेंसरी मोटर में होगा। हाँ, सेकेंड सब स्टेज जिसको हम लोग बोलेंगे, थोड़ा समय हट जाता हूं तो आपको दिखेगा, दूसरी सुख, है ना, दूसरी उपअवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इसमें देखिए क्या होता है, वन मंथ से
फोर मंथ, वन मंथ टू फोर मंथ। शुरू में सेंसरी मोटर को हम लोग क्या किया, 0 से 24 किया, है ना, 2 साल का किया। उसके बाद सब स्टेज में क्या किया, फर्स्ट सब स्टेज को क्या किया डियर ट्रेनीज, 0 से 30 मतलब 1 महीने का, यहाँ पे डेज का मतलब 30 डेज है ना, ओके। सेकंड क्या किया, जो आपका था सेकंड सब स्टेज, 1 महीने से 4 महीने, क्या किया डियर ट्रेनीज, 1 महीने से, किससे मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, आप इसका आप इसको एक बार देख सकते हो, है ना, 1 मंथ टू 4 मंथ्स किया। इसमें क्या है, एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, है ना, वो बार बार करते हैं, रिपीटेशन, रिपीटेशन होगा, क्या होगा डियर टेनिस, रिपीटेशन होगा। अब आप देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब हम लोग करेंगे थर्ड सब स्टेज, थर्ड सब स्टेज, तीसरी उप अवस्था, थर्ड है तो तीसरी, एक बार मैं हट जाता हूं, देख लीजिएगा, तीसरी उप अवस्था। हाँ, अब इसको देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, यहां प्रमुख है ना, देखिए आप क्या कीजिए, इसको प्रमुख की जगह गौण कर दीजिए, लुक एट एंड जस्ट कंसंट्रेट, प्रमुख की जगह मैंने क्या कर दिया गौण, और बाकी सेम चीज हो जाएगा, गौण वित्तीय अनुक्रियाओं, अनुक्रियाओं की अवस्था, इसको हिंदी बोलेंगे, थोड़ा सा मैं है ना पढ़ता हूं, हाँ देखिए, गौण वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, डेट ये जो इसका ड्यूरेशन होगा, क्या होगा इसका ड्यूरेशन होगा, पहला क्या हुआ देखिए 0 से 24 हुआ, सेकंड क्या हुआ 1 महीने से 4 महीने हुआ, तो जो थर्ड होगा 4 महीने से 8 महीने होगा, क्या होगा डियर टेनिस, 4 मंथ्स टू 8 मंथ्स, मतलब 4 महीने से 8 महीने हुआ। इसमें क्या होता है मालूम है, इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को छूते हैं और इधर उधर पलटते हैं, फर्स्ट में चूसता है, सेकंड में बार बार रिपीटेशन करेगा, और थर्ड में क्या होगा उसका जो कॉग्निटिव जो डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, तो किसी वस्तु को बार बार उल्टेगा, उल्टेगा, कोई भी खिलौना है, कोई भी टॉयज है ना, तो उसको छूने की कोशिश करेगा, और छू के टच करके क्या करेगा, वो इधर उधर वो पलटना चाहेगा। तो ये आपका हो गया थर्ड सब स्टेज, ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इन हिंदी गौण वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, इंग्लिश ड्यूरेशन इज 4 मंथ्स टू 8 मंथ्स, ओके। तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, फर्स्ट सब स्टेज को देखा, हम लोग का अभी टॉपिक चल रहा है सेंसरी मोटर स्टेज, डियर ट्रेनीज क्या चल रहा है अभी, सेंसरी मोटर स्टेज, इसका ड्यूरेशन क्या है, 2 साल का, जन्म से लेकर 2 साल का, 0 से लेकर 24 महीने मतलब 2 साल तक का। इसी को हम लोगों ने 6 स्टेज में बांटा डियर टेनिस, है ना, फर्स्ट वन इज फर्स्ट सब स्टेज, सेकेंड हो गया आपका दूसरी उपअवस्था, तीसरी हो गया तीसरी उपअवस्था, अब चौथी में हम लोग लिखेंगे फोर्थ, फोर्थ सब स्टेज, फोर्थ सब स्टेज, चौथी उप अवस्था, देखो आप इसको अच्छे से, चौथी उप अवस्था, ओके। इसके पहले आप लोगों ने 8, हाँ ये हो गया 8
आठ महीने से बारह महीने, जेटेनिस क्या होगा आठ महीने से बारह महीने। हाँ अब देखो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गॉन एस्किमेटा। देखो मैं बोल रहा हूं प्रोसेशन पे ध्यान दोगे डियर टेनिस, गॉन एस्किमेटा, गॉन एस्किमेटा की समन्वय की अवस्था, गॉन एस्किमेटा की समन्वय की अवस्था, दिख रहा होगा आपको गॉन एस्किमेटा की समन्वय की अवस्था। इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो अपने बड़े को, जैसे पिताजी हो गए, बड़ा भाई हो गया, माँ हो गई, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, उनको वो है ना समझता है कि आखिर बच्चे के, उनके जो फादर हैं, उनके जो गार्जियन है, उसका वो कैसे करते हैं, है ना, मतलब गार्जियन की वो नकल करना वो शुरू कर देता है ना, मतलब अपने वयस्कों का अनुकरण करता है ना, अनुकरण करने लगता है। देखिए कैसे वो उसका है ना संज्ञान उसका देखिए डेवलप होते जा रहा है धीरे धीरे, फर्स्ट उप स्टेज है ना, फिर सेकंड में हम लोग सेकंड किए, थर्ड किए, फोर्थ किए, फोर्थ में कर रहे हैं फोर्थ सब स्टेज, जिसका ड्यूरेशन क्या है टेनिस आठ से बारह महीना। इसमें वो अनुकरण करता है, मिमिक्री करने लगता है, है ना, फॉलो करता है अपने जो भी उसके आसपास हो, माँ हो है ना, उनके पिता इस फादर्स हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, है ना। अब फिफ्थ हम लोग चलेंगे, फिफ्थ सब स्टेज, फिफ्थ सब स्टेज यहां पर मैं लिख देता हूं डियर टेनिस, पांचवी उप अवस्था, पांचवी उप अवस्था। तो इसका जो आपका ड्यूरेशन होगा ऑब्वियसली 12 के बाद होगा, इसका ड्यूरेशन होगा 12 to 18 months। ओके देखिए हम लोग कहां तक चले गए, करीब है ना 1.5 ईयर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग को ही पहुंचाना है इसको 24 तक, इसके बाद 18 से 24 हो जाएगा। हाँ चलिए देख लीजिए इसको, फिफ्थ सब स्टेज है ना, पांचवी उप अवस्था, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए क्या बोलते हैं हिंदी में, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ओके क्या बोलेंगे हिंदी में, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। मैं बोर्ड से हट गया हूं, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज को जानने की उत्सुकता बच्चों में बढ़ जाती है ना, वो खुद से सोचता है कि वो ये सब जो क्रियाएं हो रही है वो कैसे हो रही है, और क्या करता है वो, जैसे कोई किया कुछ तो उससे मिस्टेक हो जाता है, तो अगली बार सोचता है कि उसको मिस्टेक को हम ना करें और सुधार के कुछ करें, ज्यादा डेवलप तो नहीं हो पाता लेकिन है ना उसका सीखने, मतलब खुद से गलती करके वो अगली बार सोचता है कि हम इसको सही करके करें, तो होता है फिफ्थ। अब देखिए सिक्स, सिक्स सब स्टेज, सिक्स सब स्टेज, षष्ठी उप अवस्था, षष्ठी उप अवस्था। अठारह से कि क्या होगा, 24 महीने है ना, क्योंकि हम लोग को कहां से लाना है, जीरो से 24 तक करना है, कंप्लीट करना है। हाँ तो सिक्स स्टेज आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, 18 से 24 महीने, 18 से 24 महीने है ना, आप देख सकते हैं सिक्स्थ सब स्टेज। डियर टेनिस तो हम लोग अभी कौन सा कर रहे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में, सिक्स में हम लोग पहुंचे हुए हैं। छठी उप अवस्था जो कि क्या है, 18 से
24 महीने, क्या है डियर ट्रेनीज, 18 से 24 महीने दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानसिक सहयोग द्वारा, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों, देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, मानसिक सहयोग द्वारा, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। अब देखिए इसमें बच्चे क्या करता है, चिंतन करता है, ध्यान दीजिए क्या करता है, सॉरी चिंतन करता है। तो चिंतन में क्या है, बिना भाषा के ज्ञान के, ध्यान दीजिएगा चिंतन करता है, ऐसा नहीं कि चिंतन, आप समझ लीजिएगा कि अभी बच्चा इतना छोटा इतना ही है और वो चिंतन कैसे करेगा भाई, तो कैसे करेगा, उसको भाषा का नॉलेज नहीं होता है, चिंतन कैसे करेगा, क्या बता सकते हैं, देखिए क्या करता है बच्चा, जैसे बच्चे के सामने कोई खिलौना रख दिया जाए, है ना, कोई खिलौना रख दीजिएगा और क्या कीजिए कि उस कुछ देर के बाद उस खिलौने को आप हटा दीजिए वहां से, तो बच्चा क्या करेगा ना, बच्चा चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, लगेगा कि वो खिलौना का अस्तित्व भी नहीं रहा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने खिलौने को हटा दिया है, बच्चे को समझ में क्या गया कि जो खिलौना है ये खिलौने को किसी ने हटा दिया और उसके बाद वो खिलौना उसको कभी नहीं मिलेगा, तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है ना, उस समझ में नहीं आता है। तो चिंतन समझ के मतलब बिना भाषा के ज्ञान का वो करेगा, है ना, चिंतन करेगा। तो छठी जो आपका छठी उपवस्था है ना, किसी भी चीज को पाने का वो जिद करता है ना, और ज्यादा जिद करने लगता है। तो इसको आप ओवरऑल जो आप सिक्स स्टेज जो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेज में बच्चे ने क्या किया, सेकंड में क्या किया, थर्ड में क्या किया, फोर्थ में क्या किया, फिफ्थ में क्या किया, है ना, इसको आप कंबाइन करके आप सेंसरी मोटर स्टेज को लिख सकते हो, है ना, ट्राई करो। सबका पॉइंट किसी में चूसता था बच्चा, किसी में प्रतिपद की क्रियाएं करता था बच्चा, है ना, सब मैंने मेंशन किया है ना, कोई किसी में क्या करता था बच्चा भाई, है ना, वस्तु को उलट पुलट करके छूता था, किसी में बच्चा क्या करता था, पिताजी से पूछ, है ना, पिताजी के जो काम उनको समझने की कोशिश करता था, मतलब ये सब चीज को, है ना, वो और इसमें क्या करता है, गंध, हाँ गंध भी फील करने लगता है वो बच्चा, है ना, गंध भी करता है फिर। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला जो स्टेज है फिर प्याजे साहब का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज को हम लोगों ने किस कितना टाइप में बांट दिया, सिक्स, कितना टाइप में, सिक्स में बांटा है ना, ओके। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स को, है ना, वाई ड्यूरेशन के हिसाब से मैं लिख देता हूं, जिसका आप लोग स्क्रीन शॉट आप ले लीजिएगा, ओके। तो हम लोगों ने देखा, मैं लिख, देखिए सेंसरी मोटर स्टेज अभी फर्स्ट स्टेज ही चल रहा है, अभी इसके बाद आप सोच सकते हो प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल स्टेज, कंक्रीट, है ना, ये सब फॉर्मल स्टेज, अभी ये तीन स्टेजेस अभी जीन प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। आज मैंने आपका सिर्फ फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया, जिसको बोलते हैं लोग सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, ओके, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्ञानात्मक अवस्था, मैंने काफी सारा नाम लिखा था इसे हिंदी में, तो इसको हम लोग ये ड्यूरेशन जरूर आप याद रखोगे, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। फर्स्ट सब स्टेज 0 से 30 दिन, है ना, सेकेंड हो गया सेकेंड सब स्टेज 1 महीने से 4 महीने, थर्ड हो गया 4 महीने से 8 महीने, फिफ्थ हो गया आपका 8 महीने से 12 महीने, सिक्स सब स्टेज हो गया 18 से 24, मतलब पूरा मेंशन किया ऑलरेडी यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेना, ये आपको याद है ना। तो ये आज आपका सेंसरी मोटर स्टेज कंप्लीट हुआ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है इसके लिए सॉरी, लेकिन ये स्टेज भी एक्चुअली बहुत काफी लेंथी था, इसलिए मुझे इस तरीके से समझाने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए था।
तो यदि मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है, यदि कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ इसके लिए सॉरी, है ना। और अभी पेंडेमिक के टाइम घर पे रहें, सेफ रहें, यही मैं आपसे मैसेज करना चाहता हूँ। लेकिन पढ़ाई ना छोड़ें, कंटिन्यूटी में रहें, क्योंकि पढ़ाई छोड़ देने के बाद क्या होता है, रिदम टूट जाता है। रिदम टूटने नहीं देना है, है ना, इसको कंटिन्यू रखना है। ओके, तो मैं अब सेकेंड स्टेज में, जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, फर्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, और जो सेकेंड वन होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या वर्ड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। ओके, जो 2 से लेकर 7 साल, है ना, 2 से लेकर 7, इसमें हम लोग पढ़े 0 से 24, अब जो पढ़ेंगे 2 से 7 साल, इसको प्राक, है ना, प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सी यू टुमारो अगेन, टेक केयर, बाय।